सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10। वहाँ पे देख लीजिए मैंने लगाई है मेहंदी, और ये मैंने मेहंदी, मुझे ना शौक लग रहा था मेहंदी लगाने का। वैसे सर्दी की वजह से मैं सोच रही थी कि दिन में लगाऊंगी, लेकिन फिर मेरे को दिन में टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा अभी मुझे कौन दिख गई है मेहंदी की, तो अब तो मैं लगाने ही वाली हूँ। तो बस मैंने मेहंदी अपने हाथों पर लगा लिया है, और ये जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने ना नेट से निकाला था, इंटरनेट से। तो बस मैंने ऐसे ही सिंपल वाला लगा लिया है। वैसे मैं सोच रही थी ऐसे पूरा भरा हुआ वाला, वो चेक चेक वाला डिज़ाइन जो बनता है ना, वो लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यार रहने दो। वैसे भी सर्दी है, और दोपहर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि फैन मतलब चला कर हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन शाम में थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया और ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा था हवाएं ठंडी ठंडी सी। सो बस मैंने सोचा कि अभी थोड़ी सी सर्दी है शाम के टाइम, मतलब सुबह शाम की सर्दी रह गई, अब दिन में तो गर्मी लगती है, और तो इसलिए मैं सोचती थी कि दिन में लगा लूँगी, लेकिन फिर मुझे रहा नहीं गया, फिर मेरे को मेहंदी की कौन दिख गई, तो फिर मैंने लगा ली। यहाँ पे देख लीजिए, और तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता है मेरे साथ में अक्सर ऐसा ही होता है, जब मैं कहीं शादी पार्टी में या कहीं फंक्शन में जा रही हूँ ना, तो मुझे मेहंदी लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप लोगों ने देखा भी था ना, मैंने अपने भाई की शादी में बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ दूसरों की लगाई थी, मैंने अपने हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। लेकिन मुझे ना ऐसे ही, ना कोई फेस्टिवल पर लगाना पसंद है, ना कोई शादी वगैरह में लगाना पसंद है, लेकिन बस ऐसे ही कभी भी ऐसे ही मन हो जाता है मेरा, तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन शादी वगैरह में लगाने का मन नहीं होता है। पता नहीं क्यों मेरा ऐसा है, मेरे साथ में ऐसा होता है। सो मैंने आज लगा लिए, खैर कोई नहीं, ठंडे ठंडे हाथ हो रहे हैं एकदम से। और चलिए फिर मैं ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देती हूँ, और मुझे ना बाल धोने, मुझे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, ये देख रहे हो ना। पता, मैंने 2 दिन से कंघी भी नहीं की थी अपनी, बस ऐसे ही बन बना लिया था, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे और बहुत ही ज़्यादा ख़राब से लग रहे थे। तो फिर मैं सोचती थी कि ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर मैं वॉश कर लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी से हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, और ये देख लीजिए आज आंटी नहीं आ रही, क्योंकि उनकी बेटी की आज है एंगेजमेंट, इसलिए वो नहीं आ रही है। तो बस यहाँ की सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, तो मैं अब जाके अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, और नाश्ता भी हमने कर ही लिया है ऑलमोस्ट। तो बस अभी मैं बनाने जा रही थी सब्जी, और सब्जी में बना रही हूँ मैं ड्रम स्टिक, और साथ ही साथ में पालक आलू की सब्जी, तो आज वही बनाएंगे। और आज मैं अपने तरीके से नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ अपनी मम्मी जी के तरीके से, वो किस तरह से बनाती थी, तो वो टमाटर वगैरह डाल करके बनाती थी, तो उसी तरीके से मैं भी आज बना रही हूँ, एकदम सिंपल तरीका है। तो चलिए फिर आज बना ले, ये देखो मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा है ना, बहुत खूबसूरत लग रही है, ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बस मैं फटाफट से अपना सारे काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा ऊपर नीचे का दोनों जगह का हो गया है, रूम क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी वो भी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया था उसको बिछे हुए, और फिर अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो फिर बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाती है, तो धुलने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, हर एक चीज़ ज़्यादा लगती है ना, और एक आध हफ्ते में चेंज करते रहो तो ठीक लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने चेंज कर दी है। और बस अभी मैं बनाने जा रही थी खाना, तो और यहाँ पे देख लीजिए हमारे नाश्ते के बर्तन भी धुल चुके हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग बर्तन देख रहे हो ना, ये हमारे सुबह नाश्ते के ही बर्तन हैं बस, और जो कि मैंने साफ करके अभी रख दिए हैं। अब चलते हैं किचन में और बना लेते हैं खाना। सो चलिए एवरीवन, चलिए अब चलते हैं किचन में और बना लेते हैं खाना। तो आज खाने में मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि मैं आज क्या बना रही हूँ, तो आज मैं सोचने की फली काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, वो भी बिल्कुल मम्मी जी के स्टाइल से, क्योंकि मम्मी जी हमारी बनाती थी टमाटर वगैरह डाल करके, तो बिल्कुल वैसा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने ना जो सोजने की फली थी वजह से छील ली थी, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है ना, तो वो अच्छे से निकल जाएगी, कड़वाहट भी निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
लगाया, वरना फली अच्छी नहीं लगती है टेस्ट में। तो इसलिए मेरी मम्मी क्या है ना, हमेशा पहले उबालती थी, तो ऐसे ही मैं, मुझे पता है कि इसको उबाला जाता है, हल्का सा बॉयल किया जाता है, एकदम ज़्यादा नहीं पकाना होता है, एकदम हल्का सा ही करना होता है। तो बस यहाँ पर देख लीजिए मैंने मसाले में क्या क्या लिया, वही हमारा डेली का मसाला। और यहाँ पे मैंने इसको सरसों के तेल में जीरा डाल के इसको छोक दिया है। और उसके बाद मैं अभी सूखे मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर 1 चम्मच के करीबन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ये डाला मैंने नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल देना, मैंने भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है 1.5 चम्मच के करीबन, क्योंकि छोटी वाली चम्मच ही है ना हमारे पास, इसलिए इतना इनफ होता है हमारे लिए। और बस इसमें पानी डाल दिया है, और धनिया पाउडर भी डाला था इसमें मैंने, वो थोड़ा सा कट हो गया है तो इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं होगा। और बस यहाँ पर देख लीजिए अभी मसाला अच्छे से भून रहा है, और हमारे यहाँ पर जो फलियाँ मैंने रख दी थी ना बॉयल होने के लिए, वो भी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। तो मैंने इसमें ना आलू, मैं सोच रही थी पहले बॉईल कर लूँ आलू को, फिर मैंने सोचा अरे यार मसाले में ही अच्छे से हो जाएंगे वो, तो ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े से ही आलू मुझे डालने हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने प्याज, और यहाँ पे देख लीजिए मैं बना रही हूँ साथ ही में पालक आलू की सब्ज़ी भी, क्योंकि पालक भी रखी हुई थी, एक गड्ढी लेकर के आए थे पापा जी, तो बस आज यही एक सूखी और एक गीली सब्ज़ी हो जाएगी लंच में। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने आलू जो पील कर रही थी ना, तो वो मैंने मसाले के साथ में डाल दिए थे, तो वो अच्छे से वो गल गए थे मसाले में। और यहाँ पे ये फलियाँ में मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और उसके बाद में इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और थोड़े से टमाटर मैंने ऐड कर दिया, 1 टमाटर कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे पालक ली थी, पालक को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था, उसमें ना मैंने लहसुन लिया है, लहसुन के साथ में इसको अच्छे से छोक दिया, क्योंकि लहसुन के साथ में टेस्ट बहुत अच्छा आता है पालक का। तो बस उसके साथ में बस अभी देखो इतनी सारे पालक आप लोगों को दिख रही थी कि कढ़ाई में नहीं बन रही थी, लेकिन जब बन जाएगी ना तो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है ये पालक। तो नमक आप देख कर ही डालना, क्योंकि पालक बहुत जल्दी बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, तो नमक आप बाद में ही डालें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी को चला रही हूँ, बच्चों के लिए मैगी भी बन रहा है साथ ही में, तो बस मैंने पालक में आलू भी डाल दिए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि सब्ज़ी में अच्छे से बॉईल आया है या नहीं। उसके बाद में सब्ज़ी अच्छे से गल चुकी थी, आलू उसमें अच्छे से गल गए थे, उसके बाद मैं डाली हूँ यहाँ पे गरम मसाला। तो बस थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, उसको मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है, क्योंकि गरम मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ में, और यहाँ पे मैं कट करके डाल रही हूँ हरा धनिया, क्योंकि जब तक हरा धनिया नहीं होता है ना, तब तक सब्ज़ी में मज़ा ही नहीं आता है, सब्ज़ी का लुक अच्छा नहीं दिखता है, और दूसरी बात खाने में भी टेस्ट नहीं आता है। हरे धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी के अंदर। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे पालक आलू भी बन चुके हैं, तो इसको मैं चला रही हूँ एक बार, क्योंकि ये नीचे लगने लगता है हल्का हल्का सा, जब ये बन जाता है ना पूरा, तो इसका पानी अच्छे से सूख जाता है, तो वह नीचे लगने लगता है, तो इसलिए बार बार इसको चलाना पड़ता है। यहाँ पे ये हमारी दोनों सब्जियाँ बनके हो गई हैं तैयार। ये है ऐसे सौजने की फली, इसको सैजन फली भी बोलते हैं ना। ये बन गए हैं हमारे पालक आलू, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए धुआं निकल गया है इसमें से। और ये रोटियाँ। तो भाई खाना पीना बन चुका है और मैंने अभी तक नहीं नहाया है, तो खाना बनाने के बाद अब मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं हम लोग खाना खाएंगे। तो आज जो धूप निकली है ना, इतनी ज़बरदस्त धूप निकली है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से हल्की फुल्की बारिश ही हो रही थी सुबह के टाइम में, लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, हवा भी चल रही है, साथ साथ में धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, बहुत अच्छी। ऐसा ही सही लगता है मुझे भी कि अगर 2 दिन अगर धूप ना दिखे तो एक दिन दिख जाए और तो अच्छा लगता है, कपड़े वगैरह पे सूख जाते हैं। सही बात ये भी है कि थोड़ा सा ये चिपचिपा चिपचिपा सा हो जाता है ना पानी वानी की वजह से, तो वो थोड़ा सा खुल जाए सूख जाए तो ये सही लगता है, क्योंकि सुबह सुबह हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी एकदम सुबह ही, ऐसे 6-7 बजे के समथिंग, 2 दिन से ऐसे ही हो रहा था मौसम, लेकिन आज अच्छा हो गया है, खुल गया है थोड़ा अच्छे से। तो खाना बनाने के बाद, खाने के बाद में मैं आ गई थी ऊपर छत पे नहा करके, और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, क्योंकि सर्दी नीचे लगने लगती है ना, तो धूप बहुत अच्छी आ रही है अभी हमारे यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन से धूप बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए भी लगा दिया मशीन में, तब तक मैं बैठ जाती हूँ और धूप ले लेती हूँ, क्योंकि धूप का मज़ा भी लेना चाहिए। और धूप इतनी ज़्यादा कड़ाके की थी ना कि बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था, तो देख ही सकते हैं अभी आप लोग और मैं साथ में अपनी चिक्की इन्जॉय कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक खुशखबरी।
तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, और ऊपर ना धूप में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, लगाई थी मुझे बैठे हुए। बस मैं 5 मिनट ही बैठी होंगी तब गर्मी लगाई, तो फिर मैं नीचे आ गई। और हाँ, एक ने नाम लेने के लिए बोला था, एक व्यूअर्स ने मेरे, फरहान अख्तर करके उनका नाम था, तो मैंने अपना नाम ले लिया है। और एक आप लोगों को कुछ न्यूज़ मैं बताऊं कि आज मेरी भाभी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह एक खुशखबरी दी, और उन्होंने बोला कि हमारी मामी के बेटा हुआ है, तो मतलब बहुत अच्छे से हो गया। और पता है क्या हुआ उनके साथ में, कि मतलब पूरे 9 महीने उनके निकल चुके थे, स्टार्टिंग 10वें महीने में मतलब उनको बेटा हुआ, तो बहुत खुशी की बात है ये। उनके एक पहले से ही बेटा है और एक और हो गया है, तो डबल खुशी है, मतलब एक और बेटा हो गया उनके। और बस मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा टेंशन ले रहे थे वो लोग कि पता नहीं क्या होगा, और पूरे 9 महीने निकल चुके हैं, अभी तक कोई डॉक्टर ने जो डेट दी थी ना, उस डेट में भी नहीं हुआ, वो डेट भी निकल चुकी थी उसके 8-10 दिन बाद भी, और भी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन 10वां महीना शुरू हो गया था तब जाके वो हुआ। मतलब ऐसा कभी आप लोगों ने सुना है कि, वैसे तो सब लोग ने यही सुना होगा कि 9वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन इनको 10 महीने हो चुके, मतलब 10वां महीना स्टार्ट हो गया था इनके, 8-10 दिन नहीं निकले थे उस टाइम पे इनके बेटा हुआ। तो खैर चलो अच्छे से हो गया, वरना सब लोग बहुत थोड़ा सा डर रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा करके सब लोग, तो इसीलिए बहुत अच्छे से हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और हैप्पी भी हैं सब लोग। बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। और मैं धूप आज इतनी तेज है ना, इसलिए मैंने सारे कपड़े धो करके डाल दिए अच्छे से, मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे, तो मैं नीचे आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमारी बालकनी में भी धूप अच्छी आ जाती है, तो यहाँ पे ही मैं, देख रहे हो ना आप लोग कितनी तेज धूप है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, बच्चों का घूमर डांस चल रहा है, और बस मैंने सोफ़ा कवर लगाया हुआ था, मैंने इनाया और इनको इनको दोनों को ही दुपट्टे दिए हुए थे, दुपट्टे दोनों ने फेंक दिए, लेकिन सोफ़ा कवर के साथ में खेल खेल के आराम से डांस कर रही हैं। बस बच्चों का ऐसे ही होता है, जो उनको मन करता है ना बस वही करते हैं। तो ये देखो इन्नू का डांस अभी आप लोग देख ही रहे होंगे ना, कितने धमाल और मस्ती मचाते हैं। हम लोग ना जब शाम का टाइम होता है तो हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे ना बच्चे भी आ जाते हैं, तो बच्चों को फिर लगता है कि हम भी करेंगे ये चीज़, तो बस वही रहता है उन लोगों का।